अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे और अगर आपको काउंसलिंग कराने की ट्रिक पता नहीं होगी, काउंसलिंग कराने के तरीके आपको पता नहीं होंगे, तो 100% एक चीजें आपके पास होंगी कि आपका नंबर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको सरकारी कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं काउंसलिंग कराने की ट्रिक के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग कराने की ट्रिक आपको जानना जरूरी है। पिछली बार जितने सारे स्टूडेंट ने ट्रिक की हेल्प से काउंसलिंग कराया तो उनका 50 नंबर भी था तो भी उनको सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ। और पिछली बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने काउंसलिंग कराने में उस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया और उनके नंबर 180-190 के आसपास भी था तो भी उनको अंत में या तो अर्ध सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा या तो उन्हें प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, गवर्नमेंट नहीं मिला, जबकि उनका एक नंबर जो था वो अच्छा खासा नंबर था जिस नंबर के बदौलत वह सरकारी कॉलेज पा सकते थे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी स्टूडेंट जो एक ही चॉइस और एक ही ब्रांच का चॉइस और एक ही कॉलेज का चॉइस लेकर के चलते हैं, उस चॉइस को आपको अपने दिमाग से हटा देना है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ वह सिर्फ हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा मिले और वहां आपको मैकेनिकल ब्रांच मिले, इसके अलावा अगर कहीं भी मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। इस लालच में जब वो काउंसलिंग कराते हैं तो वो कम से कम 4 या 5 कॉलेज ही डालते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा को देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं कि सिर्फ हमें वही पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके अलावा अगर हमें मिलेगा कहीं तो मैं नहीं लूंगा, तो आपको यह बात दिमाग से अपने निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं उनका वो होम टाउन पड़ता है, जिसके कारण कोई भी स्टूडेंट यही चाहता है कि हमारे घर से नजदीक में नजदीक कॉलेज मिले। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज होम टाउन वाले उसी तरीके से आपके लॉक हो गए तो सीटें बचती नहीं है। इसलिए आपको कम से कम 25 कॉलेज की लिस्ट बना करके चलनी है और उस 25 कॉलेज में आपको यह देख लेना है कि आप हॉस्टल लेने के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं। उस 25 कॉलेज की लिस्ट बना करके आपको देख लेनी है और उन 25 कॉलेज में कम से कम आपके पास 2-3 ब्रांच का ऑप्शन रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास सिविल का होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, इन 3 ब्रांच की लिस्ट बना लीजिए और आप पहले बारी बारी से चेक कीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सा है और उन तीनों में से हमको ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिनमें वो तीनों ब्रांच अवेलेबल है या फिर एटलीस्ट 2 ब्रांच अवेलेबल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सारे के सारे ब्रांच आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पे 2 ब्रांच में ही सिर्फ पढ़ाई होती है, कुछ ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिनमें आपके 5-5 ब्रांच चलते हैं, कुछ ऐसे भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पे आपके 6 ब्रांच 7 ब्रांच इस तरीके से चलते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल 100% होनी ही चाहिए। अगर आपको इस बात की जानकारी है देन आप 100% एश्योर हो सकते हैं कि आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल पाएगा। अब आपको सिंपल करना क्या है, जैसे कि देखिए मैं काउंसलिंग कैसे करें की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि आपका नंबर बहुत ही कम है और आपको उस नंबर पे सरकारी कॉलेज अलॉट नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक ऑप्शन और रहता है, वो है आपका अर्ध सरकारी कॉलेज का। अर्ध सरकारी कॉलेज और सरकारी कॉलेज में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो फीस में सिर्फ मात्र मात्र 2-3 हजार रुपए का फर्क होता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होता, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर कुछ अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट भी देख पा रहे होंगे, जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ, डीजे पॉलिटेक्निक बागपत, गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर, ये सारे जितने पॉलिटेक्निक आप देख रहे हैं, कुछ आपके अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके लखनऊ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप बात करिए तो लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये सारे पॉलिटेक्निक ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि आपके लखनऊ के कॉलेज है वो अर्ध सरकारी, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़िए या फिर सरकारी कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़िए। आपके पास जो मेन एम होना चाहिए वो आपका कैंपस प्लेसमेंट का एम होना चाहिए कि आपका अच्छा से अच्छा जॉब लग जाए, आप अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट में चले जाए, बेहतर नौकरी मिल जाए आपको। तो ये अगर जान करके आप पढ़ाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही आपको फ्यूचर में नहीं होने वाली है, ठीक है।
और ये एक और दो ब्रांच वाला जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है उसको छोड़िए और लिस्ट बनाइए, 100 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कम नंबर पर मिलने वाले सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट आपको दे दूंगा। सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल क्लिक करिए और आप पढ़िए, और पढ़ करके आप क्या करिए कि नोट्स मतलब एक कॉपी में लिख लीजिए पूरी तरीके से, या फिर उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने वेबसाइट पर स्क्रीनशॉट अलाउ कर दिया है, तो आप अगर इतनी चीजें कर लेते हैं तो काउंसलिंग कराने जाएंगे तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अचानक से कोई पूछ देता है आपसे कि भाई लखनऊ में पढ़ना चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों हाँ कहेंगे। इसलिए लिस्ट बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारी चीजें चेक कीजिए, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट आराम से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लीजिए। बाकी की सारी क्लासेस आपकी इसी चैनल पर चलेंगी, तो इसे एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है।